ओम शांति। ये प्रश्न है एआई। ये एआई अंग्रेजी का शब्द है, ये बहुत इस समय फेमस चल रहा है और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडवांस्ड इंटेलिजेंस। और ये जो प्रश्न पूछा गया है कि एडवांस्ड इंटेलिजेंस और आत्मा में क्या अंतर है, प्रश्न पहले समझ में आया आपको? एडवांस इंटेलिजेंस और आत्मा में क्या अंतर है, यह आप तभी समझ पाएंगे प्रश्न का उत्तर या प्रश्न, जब आपको पहले यह समझ में आ जाए ये एडवांस इंटेलिजेंस क्या बला है। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई रिश्ता है क्या? हाँ, आर्टिफिशियल दुनिया वालों ने कहा, एक्चुअल में इसका नाम है एडवांस्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, आपने आपने सुधार करता है, उसको कोई ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान ने आपको सुधार करके चलता है। अब पहले आप इसको एडवांस, भाई जी सुन लो पहले, एडवांस्ड एडवांस इंटेलिजेंस पहले समझ लो। एडवांस्ड इंटेलिजेंस है क्या चीज? ये हमारे कंप्यूटर में, इंटरनेट की दुनिया में एक वंडरफुल टूल है, एक विधि है जिसको धीरे धीरे डेवलप्ड किया गया। पहले पता नहीं था, ये एक ऐसी योग्यता कंप्यूटर में डेवलप हुई कि जिसके अंदर जो हम कर रहे हैं वो उसको याद रखता है, कंप्यूटर वो उसको याद रखता है। और पहले जो शुरुआत हुई, जैसे हमने कोई काम किया और हमने उस काम को दोबारा किया, बार बार हमने जैसे किया, तो उसके अंदर हमने एक कमांड दे दी कि आइंदा तुमने ऐसे करना है। जैसे ये दो तीन बार एक काम को कर दे, आपने उस काम को करना है, चेंज करना होगा तो वो चेंज करेगा, नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को चेंज करने की जरूरत नहीं। उसने दो तीन बार यदि कहीं पर कुछ लिखा तो वहां पर जब भी कोई जाएगा तो वहां वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आपने जो कंप्यूटर यूज करते हैं तो या मोबाइल यूज करते हैं, आप देखते होंगे कि जो कुछ हम गूगल में पहले लिखा है, एक बार दोबारा हम थोड़ा सा भी लिखेंगे पूरा का पूरा वो दिखा देगा। क्या आप यही लिखना चाहते हो क्या? और यदि आप पूरा लिखना चाहते हो तो ये एडवांस्ड इंटेलिजेंस का आरंभिक रूप है। ये सही है भाई, ये सही है। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद हाँ, तो इस पर ये जो ना एडवांस इंटेलिजेंस का छोटा सा आरंभिक रूप है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो उसकी इसी प्रकार से इंटरनेट के अंदर जो कुछ भी दुनिया में कहीं भी लिखा हुआ है, अब वो इंटरनेट के माध्यम से वो कहीं भी लिखा हुआ वो पढ़ सकता है। आपने कोई भी क्वेश्चन लिखा, कोई भी बात लिखी, वो दुनिया में कहीं भी है, उसको पढ़कर समझकर अपने दिमाग से वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। उसके पास इतनी बुद्धि है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे और वो उसको अपनी अपने विवेक से, अपनी समझ से जो कुछ भी डाटा दुनिया में कहीं भी अवेलेबल वो कर सकता है, तो वो आपके सामने उस आधार पर वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ये उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार से एआई से बहुत सारे काम एडवांस में होने लगे, पर ऐसे काम जहां ड्रोन के अंदर भी एआई यूज हो रही है। एआई का आज के टाइम में इतना क्षेत्र बड़ा हो गया है कि वो आपकी आवाज को कॉपी कर सकता है। आपने जो बोला उस आवाज के अनुसार आप उसे जो कुछ भी बोलने के लिए कहेंगे वो आपकी आवाज में ही बोलेगा। ये एडवांस इंटेलिजेंस है।
और इस एडवांस इंटेलिजेंस का प्रयोग हम कंप्यूटर के द्वारा इसी प्रकार के साधनों के द्वारा ही कर सकते हैं। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ये एक इंटरनेट की मतलब के आधार पर, क्योंकि उसका आधार है इंटरनेट, तो उसका आधार है इंटरनेट के आधार पर ये दुनिया में बहुत कुछ देख सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है इंटरनेट की दुनिया में। क्योंकि जो हमारा हम गूगल में लिखते हैं या जो चीज हम मोबाइल में लिखते हैं या लैपटॉप पर लिखते हैं और वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं गूगल के टच में आ रहा है, तो वो सारा का सारा डाटा गूगल के एक प्लेटफॉर्म में, एक समझो के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में चला जाता है। अब हमारे हार्ड डिस्क में जो भी फाइलें पड़ी हैं, उन फाइलों को पढ़कर उसके आधार पर ये उसका जवाब तैयार कर देता है, उसके आधार पर ये अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। अब ये क्रिया और प्रतिक्रिया करने वाला एक टूल है, एक विधि है, एक सिस्टम है। और ये हद में ही काम करता है। हद का मतलब है ये केवल कंप्यूटर से, नेट से, मोबाइल से, जो इस प्रकार से जुड़े हुए साधन हैं, उन साधनों के द्वारा प्राप्त सुविधाओं के आधार पर अपना जो जवाब है, निर्णय है, वो देता है या कार्य करता है। ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई सेल्फ इल्यूमिनेटेड मतलब सेल्फ ज्योति या सेल्फ जो है ना कोई काम करने वाली चीज नहीं है। आत्मा जो है ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ये अजर अमर अविनाशी एक एनर्जी है। आत्मा जो है वो एक एनर्जी है, परंतु AI जो है ये कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो इसके लिए इलेक्ट्रिक और नेट, इंटरनेट, ये दो चीजें इसके लिए जरूरी हैं, और तीसरा ये हमारा कंप्यूटर या कंप्यूटर की जगह पर मोबाइल, क्योंकि जो कंप्यूटर में काम होता है वही मोबाइल में काम होता है। तो इसी प्रकार के साधन चाहिए जहां जिनके द्वारा वो कार्य करेगा, वो कार्य होगा जो हम चाहेंगे। परंतु दोनों में बड़ा अंतर ये है कि दोनों, एक चीज हमें पहले AI समझ में आ गई, दूसरा हम थोड़ा आत्मा को भी जान ले। आत्मा एक सेल्फ एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको हम अंग्रेजी में सोल कहते हैं, SOU। इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। आत्मा जो है एक यूनिक लाइट है, प्रकाश है, और वो भी एक ऐसा प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को हमारे साइंटिस्ट नाप सके हैं, परंतु हम आत्मा एक सेल्फ लाइट है जिसको दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नाप नहीं सकता, देख नहीं सकता, नापेगा तो तब, इतना सूक्ष्म है। तो हमें उस आत्मा के अंदर भी 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है कि उसने क्या क्या करना है, परंतु ये कार्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता। जो कार्य इंस्ट्रूमेंट कर देते हैं, AI जो होता है वो किसी किसी लाखों करोड़ों आत्माओं में, कोई एक ऐसी आत्मा में भी वो गुण हो सकता है कि वो भी बहुत अच्छी तरह एडवांस में जो हम सोच ना सके वो जवाब दे सकता है। वो किसी किसी में वो बुद्धि होती है, तो वो AI से भी आगे भी हो सकता है,
एआई का मुकाबला भी कर सकता है, परंतु ये रेयर चांस है। एआई का कार्य क्षेत्र अलग है, आत्मा का कार्य क्षेत्र अलग है। आत्मा शरीर के आधार से अपने सारे कार्य करती है, परंतु एआई जो टूल है, एआई जो साधन है, एआई जो विधि है, वो हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही केवल संभव होती है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एआई एक विधि है जो अनेक बातों की जानकारी दे सकती है, परंतु वो जानकारी वो नेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा प्राप्त करती है। अब ये एआई जो है व्हाट्सएप में भी आ गया है, भाई सब कह रहे हैं, और अपना टेलीग्राम में भी है, मतलब अब ये सभी जगह मिल रही है, मतलब आपको लैपटॉप, मोबाइल में, गूगल में, सब जगह पर आपको मिलने लग गई है। आप इसके इसके इसमें कुछ भी प्रश्न लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, ये आपको तुरंत ढूंढ कर देगा, तुरंत बताएगा कि इसका क्या जवाब है। बाकी वो जवाब उसके गूगल डाटा में जो सर्वर है, उस सर्वर में कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए। और इतना फास्ट सर्वर है ये कि बहुत जल्दी ही उसे ढूंढता है और उस पर रिसर्च तैयार कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमें समझ में आया होगा आत्मा। हाँ जी, हाँ बोलो। एआई का क्रिएटर आत्मा है। हाँ, एआई का क्रिएटर आत्मा है, परंतु आत्मा सेल्फ क्रिएटर है, एआई सेल्फ क्रिएटर नहीं है। नहीं है। एआई का क्रिएटर आत्मा है, परंतु जितना काम एआई कर लेता है, उतना काम सामान्य कोई आत्मा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना जल्दी सोच लेता है, इतना अच्छी तरह सोच लेता है, आप जितनी देर में कहेंगे इतनी देर में वो टाइप कर देगा। आप कहेंगे कि ये विषय है, इस विषय पर आप 1000 शब्द लिख दीजिए, तो वो 1000 शब्द उसी टॉपिक पर लिख कर के आपको दे देगा। अच्छा, जितनी इतनी देर में लिख दे, इतने हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये सब जो है, मतलब बहुत जल्दी जो है ना, जो उसके पास है, आपने जिस तरीके से पूछा है वो उस तरीके से ही बताएगा। आप यदि कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में क्या कहती हैं, तो वो भी आपको बताएगा जितनी उसकी समझ है। एक्यूरेट देगा कि नहीं देगा वो कोई जरूरी नहीं, परंतु काफी कुछ नजदीक वो पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा जितना डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर ही वो निर्णय करता है। तो हमें समझ में आया कि आत्मा और एडवांस इंटेलिजेंट दोनों अलग अलग हैं, उनका अपना क्षेत्र है और आत्मा का अपना क्षेत्र है। आत्मा आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने इस जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकती है और फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते पतित हो जाती है। एडवांस इंटेलिजेंट रोजाना आगे बढ़ता जाता है। हाँ, क्या पूछा आपने? मैं कह रहा था कि एआई कोई कंपोनेंट है क्या, तो कंप्यूटरों में इनमें लगा हुआ है। कंपोनेंट कहेंगे, टूल कहेंगे, एक कंपोनेंट वगैरह कहेंगे, एक सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक। ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक। सॉफ्टवेयर जैसे आप प्ले स्टोर से कोई जो है ना वो डाउनलोड करते हैं ना ऐप, ऐसे ये भी एक ऐप की तरह है, ये भी ऐप की तरह ही काम करता है। हैं जी, अपने आप कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, अपने आप नहीं होता। आपको आपको व्हाट्सएप में दे दिया है,
व्हाट्सएप ने, हाँ व्हाट्सएप ने उस ऐप को आपके व्हाट्सएप में दे दिया, टेलीग्राम ने अपने टेलीग्राम में दे दिया, गूगल ने अपने सर्च में दे दिया, तो ये सारे इस प्रकार से एक ऐप की तरह से टूल है। इन पे आ रखा कैमरे जैसा वो आ रखा भाई जी, ड्राइंग। हाँ जी हाँ जी, अपने आप ही आ रखा कैमरे जैसा चित्र है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पर भी दे रखा, गूगल पर भी दे रखा। हाँ, तो हमें समझ में आ गया कि एडवांस इंटेलिजेंस और आत्मा में क्या अंतर है। आत्मा जो है वो अपनी उन्नति कर सकती है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है, परमात्म डायरेक्शन पर चलाती है, परंतु ये किसी के डायरेक्शन पर नहीं चलता, ना ये परमात्मा के डायरेक्शन पर चलता है, ना हम आत्माओं के डायरेक्शन पर चलता है, ये सेल्फ डायरेक्शन पर चलता है, और ये सेल्फ डायरेक्शन ही आगे चलकर इस सृष्टि परिवर्तन में विशेष रोल प्ले करेगा। अच्छा, और अच्छी तरह से जानने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा से केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।